गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में कि किस तरह से हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो मैंने हार्ट के बारे में बताया था, इसके चार चैंबर्स बताए थे मैंने, बेसिकली लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये चार पार्ट बताए थे मैंने। और मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड वाला है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड राइट साइड जो है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्या है ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि व्हाई देयर इज अ सेपरेशन ऑफ लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट की ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की सेपरेशन क्यों होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज आपस में हमारी ये डिस्टिंग्विश क्यों हुई होती है। तो इसका रीजन है सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। इस मिक्सिंग को रोकने के लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड की सेपरेशन होती है। लेफ्ट साइड से सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये बीच में एक वॉल होती है जिसका काम क्या होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग को होने से रोकना। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे व्हाई दिस इज सेपरेशन, तो व्हाई वी आर सेपरेटेड, फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलोगे कि ऑक्सीजन को मिक्स होने से ये बचाता है। सेकेंड चीज क्या बतानी है कि जो ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और मैमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स की हम बात करें, जिसमें हमारे बेसिकली बर्ड्स की बात कर सकते हैं हम या फिर मैमल्स की बात कर सकते हैं, इनकी हाई एनर्जी डिमांड्स होती है। एनर्जी डिमांड इनकी क्या होती है, हाई होती है। इनकी एनर्जी डिमांड हाई होती है। इनकी एनर्जी डिमांड हाई क्यों होती है, सो दैट they can maintain their body temperature, अपने body temperature को ये maintain करके रख सके, इसलिए इनकी high energy demand होती है। इस high energy demand को पूरा करने के लिए ये oxygenated blood और deoxygenated blood या left side of the heart and right side of the heart is separated। तो first point लिखोगे so that mixing ना हो जाए, second point लिखोगे इनकी हाई एनर्जी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेपरेशन हुई होती है। ये तो हमने बर्ड्स एंड मैमल्स की बात की, लेकिन जो फिशेस होती हैं, अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस का थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस का हार्ट कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका। तो उनमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग जो है अलाउड होती है, थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली अब चार चैम्बर नहीं है, यहाँ एक दो तीन चार चैम्बर है, इनके तीन चैम्बर होते हैं, तो मिक्सिंग जो है थोड़ी बहुत अलाउ होती है या मिक्सिंग उनके ब्लड की हो जाती है। डायरेक्टली ब्लड को गिल्स में पंप किया जाता है एंड डायरेक्टली ब्लड को गिल्स में भेजा जाता है एंड वहां से वो गिल्स के थ्रू सारी की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ब्लड देखो एक बार नहीं गया, ब्लड जो है एक बार नहीं गया, गिल्स से गया, गिल्स से बॉडी की तरफ गया, सिर्फ एक राउंड होता है। तो इसमें सिंगल राउंड हो रहा है सर्कुलेशन का, लेकिन ह्यूमंस में मैंने क्या कहा था, एक बार यहाँ से जाकर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, सेकेंड टाइम बॉडी से यहाँ से होकर लंग्स के थ्रू हमारा CO2 बाहर जा रहा है, कल के लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रही है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा था, लेकिन फिशेज में डबल सर्कुलेशन नहीं होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। अब हम करेंगे ब्लड वेसल्स की बात। ब्लड वेसल्स में हमारी क्या क्या आ जाएंगी, कल भी बताई गई थी, एक थी आर्टरी, दूसरी है हमारी वेन्स। अब मैंने बताया था कि यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जब लेफ्ट ऑरिकल से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से फिर बॉडी में जाएगा, यहाँ से बॉडी में जाता है वो आर्टरीज के थ्रू। अब देखो ऊपर से ब्लड आ रहा है सारी बॉडी में, उसमें सर्कुलेट होना है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगा है, हाई प्रेशर है, कि क्योंकि उसको सारी बॉडी में ब्लड भेजना है। अगर वो किसी पार्ट में ब्लड नहीं भेज पाया तो हमारी उस पार्ट में ब्लड की प्रॉब्लम आ जाएगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके ऊपर एक हाई प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से, इस हाई प्रेशर की वजह से जो ये आर्टरीज होती हैं, ये जो आर्टरीज होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है। क्यों
क्यों? क्योंकि इनको सारी की सारी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजना है। लेकिन दूसरी साइड वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स क्या करती है? हमारी बॉडी से ब्लड उठाती है और उसको यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स तक लेकर जाती है। तो वेन्स में तो देखो कोई प्रेशर नहीं है, वो धीरे धीरे भी ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक लेकर जा सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसीलिए जो वेन्स होती है, वेन्स की वॉल्स जो है कंपैरेटिवली थिन होती है, आर्टरीज की वॉल थिक है, बिकॉज उनको हाई प्रेशर के अंदर सारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है, लेकिन वेन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेन्स की वॉल्स क्या होती है? थिन होती है। अब ये जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या इसमें टिश्यू तक हमारी ब्लड को लेकर जाना है, तो ये आर्टरीज छोटी छोटी इस तरह से ट्यूब्स में सेपरेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है छोटे छोटे ट्यूब में, जिसको हम बोल देते हैं कैपिलरी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज फिर पर्टिकुलर सेल तक या टिश्यू तक हमारे ब्लड को लेकर जाती है। एक सिंगल आर्टरी जो है वो हमारी सारा ब्लड सर्कुलेट नहीं करती, वो छोटी छोटी हमारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और सारे सेल्स एंड टिश्यूज को हमारा ब्लड को सर्कुलेट करती है। सारा के सारे सेल्स के बीच में ब्लड का एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज यहीं से ही होता है। तो ये कैपिलरीज डिवाइड हुई, ठीक है, आर्टरीज का समझ आया? आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज हमारी इस तरह से बना देती है। इसी तरह से अब देखो वेन्स ने क्या करना है, ये तो हमने आर्टरीज की बात कर ली। अब हमारी वेन्स आर्टरीज का काम, जब हमने आर्टरीज की बात की तो मैंने कहा ये ऐसे डिवाइड होकर क्या बना देगी? कैपिलरीज बना देगी। अब वेन्स ने क्या करना है? इसने भी तो ब्लड कलेक्ट करना है, सारा का सारा यहाँ पर इसने डिवाइड करना था ब्लड, इसलिए ये डिवाइड हो गई डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज में। अब वेन्स के पास तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से ब्लड आना है, तो बहुत सारी कैपिलरीज क्या करेंगी? ज्वाइन करेंगी, एंड वो सारा ब्लड कहाँ लेकर आएंगी? हमारे वेन्स के पास। ये डिफरेंस समझो, आर्टरीज ने ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजना है, इसलिए वो डिवाइड होंगी और कैपिलरीज बनाएंगी। यहाँ पे वेन्स ने कलेक्ट करना है, तो सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो जाएंगी और वेन्स को क्या कर देंगी? ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर देंगी। सो दिस इज अबाउट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब क्या है, हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अब कभी कभी क्या होता है, हमारे को चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड निकलने लग जाता है, हमारी लीकेज हो जाती है सिस्टम के अंदर, हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस लीकेज को, ये जो लीकेज हो रही है उसको फिल करने का काम, ब्लड को क्लॉट करने का काम, ब्लड क्लॉटिंग का काम, ये सारे काम कौन करता है? हमारी प्लेटलेट्स। ये सारे काम कौन करती है? हमारी प्लेटलेट्स करती हैं, ब्लीडिंग होने से करती हैं। अब हाई प्रेशर से, मैंने कहा आर्टरीज ब्लड लेकर आ रही हैं, एकदम से चोट लगी या कुछ लीकेज हुई जिसकी वजह से सारी की सारी आर्टरीज वो बर्स्ट हो गई और सारा का सारा खून हमारा निकल आता है। तो ये अवॉइड करने के लिए बॉडी के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं और ये प्लेटलेट सेल्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। सो दिस इज अबाउट प्लेटलेट्स। लास्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आते हैं हमारे लिम्फ। अब लिम्फ क्या होते हैं? ये भी हमारे फ्लूइड होते हैं। दिस इज आल्सो, जैसे ब्लड हमारा फ्लूइड है, वैसे ही ये भी हमारे फ्लूइड होते हैं। ब्लड एंड लिम्फ में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। अब डिफरेंस क्या है? ब्लड हमारे रेड कलर के होते हैं, ये हमारे कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? हमारे कलरलेस होते हैं, ठीक है। अभी मैंने पीछे कैपिलरीज बताया, तो कैपिलरीज जो होती है उनकी वॉल्स के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू कोई भी चीज अंदर जा सकती है या फिर बाहर आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे, देखो ब्लड जो फ्लूइड बना रहा था उसको हमने प्लाज्मा का नाम दिया था, यहाँ पे जो फ्लूइड बनकर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज लिम्फ फ्लूइड। ब्लड की वेसल्स को हमने ब्लड वेसल्स कहा था, इसकी वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? लिम्फैटिक वेसल्स। इसकी वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? लिम्फैटिक वेसल्स, ठीक है। इसकी वेसल्स को हम बोलेंगे लिम्फैटिक वेसल्स। अब क्या होता है, कई बार देखो, अब जैसे ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन सेल्स के बीच में ये जो स्पेस होता है,
बोल देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस के अंदर कोई भी चीज का एक्सचेंज करना है तो उस एक्सचेंज में हमारे क्या करती हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हेल्प करती हैं, इनपुट तक चीजें लेकर जाने का हमारे काम करती हैं। अब क्या होता है, लिम्फ की मैंने वेसल्स को, लिम्फ की कैपिलरी वेसल्स को हमने क्या बोला, लिम्फेटिक वेसल्स बोला। या फिर ये क्या होती हैं, लिम्फ की बहुत सारी कैपिलरीज, लिम्फ की कैपिलरीज आपस में ज्वाइन करके बड़ा सा लिम्फ वेसल बना देती हैं, बड़ा सा लिम्फ वेसल्स बना देती हैं। इन लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है, अब इन लिम्फ का काम क्या होता है, ब्लड का काम है, हमने ब्लड का काम की बात की, ब्लड का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। अब हमारे लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फ जो है ये कैरी करके लेकर जाता है डाइजेस्टेड फैट्स को, ये कैरी करके लेकर जाता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को, फैट फैट को ये लेकर जाता है और इसको हमारे क्या कर देता है, इसको हमारे कैरी करके लेकर जाता है, ड्रेन कर देता है। इनमें से जितना भी फ्लूड वो एब्जॉर्ब कर सकता है इस फैट में से, वो सारा का सारा फ्लूड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा और उस सारे के सारे वापस फ्लूड को फिर किसमें, ब्लड के अंदर वो डाल देता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ब्लड एंड लिम्फ के बीच में जो तुमने ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का हमारा टॉपिक जो है फिनिश होता है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उसके स्टडी किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पेज नंबर 110 का। पेज नंबर 110 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स बताने हैं हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, कंपोनेंट्स बताने हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा, ब्लड के हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे, RBC आ जाएगा, WBC आ जाएगा, हमारा प्लेटलेट आ जाएगा। तो तुमने इन सभी का फंक्शन बताना है, RBCs का फंक्शन बताओगे कि हीमोग्लोबिन कैरी करके लेकर जाता है और फिर वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। WBCs का काम क्या होता है, हमें इंफेक्शन से ये बचाने का काम करता है। प्लेटलेट का काम क्या है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। लास्ट इसके अलावा तुम बताओगे लिम्फ के बारे में भी बताओगे, लिम्फ भी एक फ्लूड है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हमारे हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फैट्स का ट्रांसपोर्ट करने में ये हमारे क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जिसको तुमने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 110 का, दैट इज व्हाई इज सेपरेशन, व्हाई इज देयर अ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन क्यों हुई होती है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया इनकी सेपरेशन क्यों होती है, पहला पॉइंट बताया मिक्सिंग ना हो जाए ब्लड की, हमारे ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मिक्स ना हो जाए इसलिए हुई होती है। सेकंड बताया मैंने हाई एनर्जी डिमांड होती है ऑर्गेनिज्म की, उस हाई एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किए, ये तुमने कर लेने हैं। आई होप तुम लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।